हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर SPPU पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग SPPU पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में गया है बेटा, और अगर आपका ब्रांच CS है, IT है और AIDS है बेटा, तो इन ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ डेमो लेक्चर्स आपको कहां पर मिलेंगे, पूरा कोर्स आपको कहां पर मिलेगा और ये सब्जेक्ट कैसा है, इजी है, टफ है, तो यहां पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि होता है क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। देखो फर्स्ट ईयर में क्या था, सारे ब्रांच के बच्चों को कॉमन पढ़ना था, मतलब मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, ये सारे ब्रांच के बच्चों ने पढ़ा था, चाहे वो CS हो, IT हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में क्या है बेटा, सारे ब्रांच का जो सिलेबस है वो अलग अलग हो जाता है, उसी तरीके से सारे ब्रांच का जो मैथमेटिक्स है बेटा वो भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो फिलहाल थर्ड सेमेस्टर में बेटा जिनका ब्रांच CS है, IT है एंड AIDS है बेटा, तो इन ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ENTC हो गया, सिविल हो गया, इन सबको पढ़ना है मैथमेटिक्स 3। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। ENTC हो चाहे सिविल हो, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा बेटा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जल्दी। वैसे मैं बोलता नहीं हूं, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को क्या करेंगे बेटा, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को किस कैटेगरी में रखा जाए, इजी या टफ? तो यार देखो ये डिपेंड करता है कि हमारा इस सब्जेक्ट को लेके अप्रोच क्या है। अगर अब मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसका नीड क्यों, ये आप समझना। जैसे कि हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे तो अगर डेरिवेशन करते थे तो देखते थे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आ गया, अगर न्यूमेरिकल कर रहे तो वहां पर सिंपल मैथमेटिक्स आ गया। मतलब अपन ने ये देखा था कि हम लोग चाहे फिजिक्स पढ़े चाहे केमिस्ट्री पढ़े, वहां पर मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या बेटा, आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए बेटा। और वही बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो जब अपने आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ोगे तब आपको क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम होगा। तो आप सिर्फ इसे इसलिए मत पढ़ना कि इसे आपको एग्जाम में पास होना है, आप इसे इसलिए पढ़ना बेटा क्योंकि ये आपके क्या है, जो कोर सब्जेक्ट है उसमें इसका यूज होता है। अगर आपका एम अच्छा है बेटा तो आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैथ्स अगर किसी का वीक है तो वो इंसान हमेशा फंसता है, ये बात आप समझ लो। और अगर आपने अपने मैथ्स को अच्छा कर लिया तो ओवरऑल आप देखोगे कि आपको सारे सब्जेक्ट में बेनिफिट उसका मिलता है, ठीक है। चलिए तो सिलेबस के बारे में बात करता हूं मैं। तो यहां पर जैसे कि देखा जाए तो जैसे हर एक सब्जेक्ट में आपके 6 यूनिट्स है बेटा, तो यहां पर भी क्या, आपको 6 यूनिट पढ़ना है, और कुछ यूनिट्स में 2 चैप्टर है, कुछ यूनिट्स में आपके 1 चैप्टर। तो देखा जाए सिलेबस बहुत अच्छा है, और मेरा जो अप्रोच है ना सिलेबस को लेके ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा। मैं सच सच बताऊं तो आपको, मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब मैंने पढ़ाया ना, मैंने फील करा इसे, ऐसा नहीं कि बस मैं आया पढ़ाया और चला गया, एकदम बेसिक से बेसिक मैंने गया। जैसे कि अगर जो पहला चैप्टर है वो क्या है बेटा, आपका सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी के बेसिक के लिए आप विश्वास नहीं करोगे, सेट थ्योरी के बेसिक नॉलेज के लिए मैंने कौन से बुक्स को पढ़ा, 11th के बुक को पढ़ा, 12th के बुक को पढ़ा और इंजीनियरिंग के बुक को पढ़ा, ताकि मैं सेट थ्योरी के अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। मानकर चलो कि बहुत सारी चीजें तो 11th 12th वाली ही है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स को फॉलो किया। इवन मैंने क्लास 11th 12th के बुक को भी पढ़ा कि वहां पर एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे। अगर आप देखोगे क्लास 11th 12th के बुक को मैथमेटिक्स का, तो वहां पर भी सेट पढ़ना था, रिलेशन पढ़ना था, फंक्शन पढ़ना था, और मैं सच बताऊं तो मुझे उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगे और उन एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर यूज भी करा। तो यहाँ पर बेटा एक बात आज समझ लो कि मेरा जो अप्रोच, ये दोनों तरीके से होने वाला। पहला तो अपन को नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ एग्जाम पास करने के लिए तो हम लोग निराली के क्वेश्चंस लगा ही लेते हैं। तो इस बार मेरा जो ज्यादा फोकस होगा बेटा वो नॉलेज पे होगा, एग्जाम्स तो हम लोग पास कर लेंगे क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सीनियर हो चुके हो, तो आपको सीनियर्स की तरह ही क्या करना है बेटा, ट्रीट करना है। अब मेहनत अपना, मैं अपना मेहनत बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से मेहनत करा। जैसे कि पावर सेट की बात करी,
अब आप बिलीव नहीं करोगे, पावर सेट के लिए ना मैंने डेफिनेशन दूसरे बुक से देखा और एग्जांपल मैंने क्लास 11 12 के बुक से देखा, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स बहुत पसंद आ गए, तो मैंने मेहनत करा, एकदम बेसिक से पढ़ाया, मजा आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर आप हमेशा तारीफ, नहीं तारीफ नहीं यार, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, और अच्छा सब्जेक्ट को अच्छा बोलने में कोई बुराई नहीं है बेटा। तो अगर बात की जाए यूनिट वन में, तो यूनिट वन में आपको दो चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी और दूसरा चैप्टर आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक है। ठीक है, और अगर यूनिट टू की बात की जाए बेटा, तो यूनिट टू रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब पहला चैप्टर इसमें आपका रिलेशन है और दूसरा चैप्टर आपका इसमें फंक्शन। तो यहाँ पर मिक्स्ड है बेटा, और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाया बच्चों को, प्रॉपर एग्जाम्पल दिए। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉजिकल मैथ से इतनी जल्दी घुसता नहीं दिमाग में। अगर मैंने एक प्रॉपर एग्जाम्पल दे दिया, बच्चों को समझ में आ जाता है कि अरे यार क्या समझाया सर ने। तो यहाँ पर एग्जाम्पल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पर पहले दो यूनिट को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 50 लेक्चर्स लग गए थे। ठीक है, अच्छे से बेसिक से पढ़ाया था, समय लगता लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर थ्री का। तो यूनिट नंबर थ्री हमारा क्या है, काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ईजी है, उतना टफ में से नहीं बोलूंगा। और यूनिट फोर जो है बेटा, वो आपका ग्राफ थ्योरी। देखो ग्राफ थ्योरी है बहुत ही शॉर्ट, कोई बड़ा ये चैप्टर नहीं है बेटा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर बात करूं मैं गूगल मैप का, तो सोचो इतना बड़ा जो सॉफ्टवेयर है गूगल मैप, और गूगल मैप का जो बेसिक है ना, वो आपका ग्राफ थ्योरी से। अब आप सोच रहे हो कि कितना ज्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो आपका गूगल मैप है वो ग्राफ थ्योरी पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा प्लेनर ग्राफ, तो अब मैंने कैसे पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैंने इसके लिए निराली खोला और निराली से पढ़ा दिया, मैंने ये काम नहीं करा। मैंने इस टॉपिक के लिए प्रॉपर दो तीन बुक्स को फॉलो करा, गूगल करा, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे बच्चों को ऐसे बताना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उस तरीके से पढ़ाया है। तो आप नाराज मत होइएगा कि सर आपने डेफिनेशन कुछ अलग लिखाया, बेटा मैंने वही लिखवाया है, मैंने वही एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मेरे बच्चों को समझ में आए, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आगे चल के डिस्कवर कैसे करोगे, क्योंकि आप सीएस ब्रांच के बच्चे हो, तो आपको डिस्कवर करना है आगे चल के नए नए सॉफ्टवेयर को डिस्कवर करना है, तो जब आप सोचोगे नहीं तो आप डिस्कवर कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या है, थोड़ा सा अपने अप्रोच को पॉजिटिव करेंगे, सीखने के लिए ज्यादा चलेंगे, है ना। और नो डाउट निराली के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल इस अप्रोच से पढ़ाया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए बेटा, तो यूनिट नंबर फोर हो गया। यूनिट नंबर फाइव आपका ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी आपका एक ही चैप्टर है। लेकिन यूनिट नंबर सिक्स जो है बेटा आपका अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड कोडिंग थ्योरी। तो यहाँ पर अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक अलग चैप्टर है और आपका कोडिंग थ्योरी क्या है बेटा, एक अलग चैप्टर है। तो अगर आपको टॉपिक्स नोट करने हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको क्लास का डिटेल्स बता देता हूँ बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा आप समझ लो। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स है, ये आपको कैसे लेना, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो बेटा, कोर्स तो आप ऐसे डायरेक्ट लोगे नहीं, ठीक है, कि मैं बोलूंगा आप कोर्स लोगे नहीं बेटा, आप पहले डेमो अटेंड करो। ठीक है, मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जो ऐसे बच्चे हैं ना जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, जो मुझसे मैथमेटिक्स वन पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स टू पढ़ चुके हैं, तो मैं तो बोलूंगा भैया कि आप सीधे जाइए ऐप में और इस सब्जेक्ट को परचेस कीजिए। आपके लिए डेमो नहीं है, डेमो उन बच्चों के लिए जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं। मैंने अपना अप्रोच आपको बता दिया, ठीक है बेटा। चले, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना देता हूं। ठीक है, लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए उस लिंक में, चार लेक्चर में आपको डेमो दूंगा, वहां पर आपको अप्रोच मेरा समझ में आ जाएगा कि मैं किस अप्रोच से पढ़ा रहा हूं। ये मत देखना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप ये देखना कि मेरा अप्रोच कैसा है, क्या मेरा अप्रोच आपको समझ में आ रहा है, आपको वहां पर ये देखना है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आप चाहते हो कि पूरा कोर्स लो बेटा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली मेरा ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आराम से ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप में जाएंगे तो ऐप के नीचे आपको एक स्टोर दिखेगा, आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद मेरा प्यारा बच्चा आपको सर्च करना है SPPU। तो जैसे आप सर्च करेंगे ना SPPU, तो वहां पर SPPU के सारे कोर्स आपको दिखने लगेंगे, तो वहां पर आप परचेस कर लेना SPPU डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये कोर्स आप वहां से परचेस कर लो, पूरा कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी मैंने क्या है यूनिट वन करवा दिया है, यूनिट टू पूरा करवा दिया है बेटा,
है ना, यूनिट 3, 4, 5, 6 में मैंने अभी 2 यूनिट करवा दी, 2 यूनिट का भी आना बाकी है और वो आ जाएगा, आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस आप मानकर चलो कि विद इन 2, अभी मैं कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ तो 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स जो है बेटा वहां पर आपका अपडेट हो जाएगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं। तो जो नए बच्चे हैं बेटा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, आप जाइए वहां पर डेमो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके आप ऐप डाउनलोड करना। जो फीस रहेगा बेटा वो 799 रहेगा, मेरे सारे सब्जेक्ट का जो फीस है बेटा वो 799 है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भले मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ा हो लेकिन मैंने फीस को नहीं बढ़ाया, फीस आपका 799 ही रहेगा। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और ये जो बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के मत लेना कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए अब आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है सीखने के लिए ताकि आप आगे चल के अपने इंजीनियरिंग कैरियर में बहुत अच्छा कर पाओ। अब अप्रोच को बदलना है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ना है बेटा, ताकि अपन को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे डेमो लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।